जय हिंद। आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंग। शरीर के अंग में सबसे पहले आता है हेड। हेड मतलब होता है सिर। उसके बाद आता है फेस। फेस मतलब होता है चेहरा। उसके बाद होता है आता है आईब्रो। आईब्रो मतलब भौं, जो आँख के ऊपर होता है। उसके बाद होता है आई। आई मतलब आँख। उसके बाद होता है ईयर। ईयर मतलब कान। उसके बाद होता है नोज। नोज मतलब नाक। उसके बाद होता है माउथ। माउथ मतलब मुंह, जिससे हम खाना खाते हैं। उसके बाद होता है नवेल। नवेल मतलब नाभि। उसके बाद होता है एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब पेडू यानि पेट। उसके बाद होता है फिंगर। फिंगर मतलब उंगली। उसके बाद नेल। नेल मतलब नाखून। थम। थम मतलब अंगूठा। वरिष्ठ। वरिष्ठ मतलब होता है कलाई। उसके बाद होता है पाल्म। पाल्म मतलब होता है हथेली। उसके बाद होता है आर्म। आर्म मतलब होता है बांह, शोल्डर। उसके बाद होता है एल्बो। एल्बो मतलब होता है कोहनी। उसके बाद होता है फुट। फुट मतलब होता है पैर। उसके बाद होता है लेग। लेग मतलब होता है टांग। उसके बाद टीथ। टीथ मतलब दांत। लिप्स। लिप्स मतलब होठ। ये सारा चीज़ मिल के हमारा बॉडी बनता है, एक शरीर बनता है। देखिए, ये है हमारा हेड। ये पूरा शरीर का पार्ट है और एक शरीर का पार्ट मिलकर हमारा बॉडी बनता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।